से मैंने काम किया, वो आपके साथ लगती कौशली विधानसभा जहाँ मैं पिछले 10 साल से भी क्योंकि 2009 से जहाँ मैं अपना समाज सेवा और राजनीति के कार्यों से जुड़ा हुआ रहा, और अभी अटेली विधानसभा से चुनाव लड़ने का मन है, इसीलिए आप सबके बीच में आया हूँ। मैं भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा हुआ हूँ सन 2014 से। पहले मैं रेवाड़ी जिले का मेन बोर्ड का जिले का उपाध्यक्ष था, उसके बाद दूसरा दायित्व मेरे पास जो पार्टी में रहा वो राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य था मैं किसान मोर्चा में, और अभी हाल ही में मैं माननीय ओम प्रकाश धनखड़ जी जब प्रदेश अध्यक्ष बने और उन्होंने नई टीम का गठन किया तो उसमें प्रदेश संयोजक था भाजपा कला व संस्कृति प्रकोष्ठ। आप कोई भी साथी कोई भी सवाल उसे पूछना चाहें तो जवाब देने के लिए तैयार। पिछले 10 साल से आप राजनीति में हैं जी, तो क्या आपने वहाँ कोसली से पहले विधानसभा के चुनाव लड़ा? नहीं, मैंने कोसली से कोई भी चुनाव नहीं लड़ा। मैं चुनाव लड़ने का इच्छुक था, मैंने टिकट के लिए भी प्रयास किया वहाँ पे, लेकिन वो जिसके भाग्य में थी, मेरे जो भी साथी और एक्टिव मेरे तय और भी पार्टी के काफ़ी वर्कर होते हैं किसी भी विधानसभा में, तो 2014 में श्री विक्रम यादव जी चुनाव लड़े थे पार्टी के टिकट पे और जीते थे और मंत्री भी बने थे, और 2019 में लक्ष्मण यादव जी। अचानक अटेली तरफ आपका रुझान हुआ, इसके पीछे क्या क्या? अटेली और कोसली दर्शन दोनों साथ लगती हुई विधानसभाएं हैं, पहला विषय। दूसरा क्या है कि एक तरीके से सेक्शन ही है ये, क्योंकि ये पूरा का पूरा एक अहिरवाल में कोसली अटेली नारनौल महेंद्रगढ़ रेवाड़ी ये पूरी की पूरी अहिरवाल की बेल्ट है, सारी विधानसभाएं हैं यहाँ पर। मैं यहाँ थोड़ा ज़्यादा कम्फर्टेबल महसूस कर रहा हूँ अपना गाँव की संख्या के हिसाब से भी, और मेरे जो रिश्ते नाते संबंध है उनके हिसाब से भी, तो इसीलिए मैंने चुना है कि अभी मेरे पास में 4 महीने का समय है, इस दौरान मैं ग्राउंड में मेहनत करूं, मेरे अपनों के पास जाऊं, उनसे मदद के लिए अपील करूं। कौन सी पार्टी से टिकट की इच्छा? मैं भारतीय जनता पार्टी से टिकट मांगूंगा, वो पार्टी मुझे इस काबिल समझेगी तो मुझे कंसिडर करेगी, टिकट देगी। मैं उनमें से तो हूँ नहीं जो ये कहूँगी भाई मेरे ऊपर वाले जेब में टिकट रखी है और टिकट मेरी है, ऐसा मैं कोई दावा नहीं कर रहा, ना आपके सामने ना जनता के सामने। मैं टिकट के लिए प्रयास करूँगा, जमीन पे मेहनत करूँगा, अपने आप को इस काबिल बनाऊँगा कि पार्टी समझेगी भाई टिकट देनी है तो मुझे टिकट। अगर आपको टिकट नहीं मिलता है तो क्या फिर भी चुनाव लड़ेंगे? नहीं, पार्टी अगर टिकट नहीं देती है तो जिस किसी साथी को देगी उसके साथ कंधे से कंधा मिलाकर उसकी मदद करेंगे, जब तक हम जो मेहनत करेंगे वो पूरी की पूरी उसको समर्पित करते हैं। वर्तमान में भाजपा के ही यहाँ से विधायक हैं और आप भी भारतीय जनता पार्टी से जो है चुनावी मैदान में आए हैं जी, तो कितनी संभावनाएं हैं कि मौजूदा विधायक की टिकट काट करके और आपको मौका मिले? जी, बड़ा सही सवाल पूछा है आपने। चुनाव के लिए मेहनत करना और टिकट मांगना ये हर एक कार्यकर्ता का अधिकार है, जो अपने आप को इस चीज़ के लिए समर्थ समझता हो कि भाई मैं ग्राउंड पे मेहनत कर सकता हूँ या मेरी चुनाव लड़ने की क्षमता है या मैं जनता के विश्वास पे खरा उतर सकता हूँ, वो टिकट मांगने का अधिकार रखता है। उसी अधिकार के तहत मैं टिकट मांगने के लिए आया हूँ। रही सिटिंग विधायक के विषय में जो आपने सवाल किया, तो जब ये सिटिंग विधायक माननीय सीताराम जी जब यहाँ से विधायक चुने तो उससे पहले भी यहाँ पे भाजपा के सिटिंग विधायक थे, तो जब उनकी टिकट कट के उनको मिल सकती है तो इनकी कट के भी किसी भी कार्यकर्ता को मिल सकती है। अहिरवाल में एक जो है बड़ा रहता है कि राव इंद्रजीत सिंह जिसका सपोर्ट करते हैं उसको भाजपा की टिकट मिलती है, तो आपका राव इंद्रजीत सिंह से किस प्रकार का संबंध है, क्या उम्मीदें हैं कि वहाँ से आपको कुछ समर्थन मिले या आप उनके एंटी ग्रुप से रहे? नहीं, मैं कभी भी पार्टी पॉलिटिक्स में किसी भी गुटबाजी में नहीं पड़ता हूँ। मैं एक
फेयर राजनीति करने में विश्वास करता हूँ, और फेयर राजनीति का मतलब है जनता से जुड़ के राजनीति करना। रही आपने राव इंद्रजीत सिंह जी के विषय में जो पूछा है, मैं भारतीय जनता पार्टी में राव इंद्रजीत सिंह जी के साथ ही आया था, मैं कभी कांग्रेस में नहीं रहा, बट मैं इंसाफ मंच में जरूर रहा हूँ और मैं इंसाफ मंच का फाउंडर मेंबर भी हूँ। जिस समय राव इंद्रजीत सिंह ने इंसाफ मंच बनाया तो जितने भी गिने चुने लोग थे जिन्होंने उस समय उनको सहयोग दिया था और उसको बनाने में जिनकी अहम भूमिका रही थी, मैं उनमें से एक हूँ। मैं इंसाफ मंच का, जैसे मैंने बताया, फाउंडर मेंबर भी हूँ। तो मेरा तभी से राव इंद्रजीत सिंह जी के साथ में, रामपुर हाउस के साथ में जुड़ाव है और मैं उन्हीं के साथ बीजेपी में आया। सर, बाहरी प्रत्याशी क्या होता है, मैं आपसे नहीं पूछ रहा, मैं उन्हीं साथियों से पूछना चाहता हूँ जो ये बाहरी प्रत्याशी का मुद्दा जो भी उठा रहे हैं या उठाएंगे। हर चुनाव में होता है और केवल एक यही नहीं, हर जगह ही होता है। तो और पार्टियों के भी कई साथी यहाँ चुनाव मैदान में हैं, मैं किसी का नाम तो नहीं लूंगा, बट मेरे सुनने में आया कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता हैं, वो नारनौर से पहले विधायक भी रहे, मंत्री भी रहे, वो यहाँ से लड़ने का प्रयास कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि उनका गांव भी शायद अटेली में नहीं है, वो भी बाहरी कहलाएंगे। यहाँ से संतोष बैंजी हमारी पार्टी से ही विधायक भी थी और डिप्टी स्पीकर भी थी, उनका गाँव भी नारनौर में आता है तो वो भी बाहरी थी। अगर अनिता बैंजी भी कोई भी हो तो मतलब इस हिसाब से फिर सारे ही बाहरी हैं। जैसे हम अपने कोई भी कार्यकर्ता साथी होता है या कोई भी व्यक्ति होता है किसी काम के लिए जाता है, बिजनेस करने के लिए दूसरी जगह जा सकता है, रोजगार के लिए दूसरी जगह जा सकता है, तो चुनाव लड़ने का भी अधिकार है कोई कहीं से, चुनाव लड़ने का भी अधिकार है कोई कहीं से लड़ सकता है। आपने कोसली हल्के में ज्यादा काम किया जी, आपकी तरफ घूम रही जी, कोसली से एक कभी मांग नहीं हुई। मैंने जैसे आपको बताया ना, मैं यहाँ ज़्यादा कंफर्टेबल महसूस कर रहा हूँ और ग्राउंड बनाने का प्रयास करेंगे यहाँ पर। कोसली में भी हमारी ही पार्टी के हमारे कुछ साथी हैं, जो मदद हमने की है वहाँ से भी पार्टी जिसको टिकट देगी तो हमारी जो मेहनत है वो भी खराब नहीं जाएगी, वो भी हम वहाँ साथियों से अपनी मेहनत को उन साथियों को देंगे। अटेली हल्के को एक ट्रेनिंग सेंटर के रूप में अक्सर लोग जो है चर्चा करते हैं कि कोई भी कैंडिडेट आता है, सबकी एक इच्छा होती है कि अटेली से चुनाव लड़ा जाए, यहाँ आसान होता है। तो क्या आप भी इसी सोच के, जिस प्रकार से आपने भारी उम्मीदवारों की बात की है कि चाहे उसमें संतोष यादव हो या जो दूसरे रहे हों या जो अभी भी आ रहे हैं, तो केवल इसी सोच को लेकर के अटेली जो है एक आसान विधानसभा क्षेत्र पड़ता है किसी भी उम्मीदवार के लिए, तो ये सोच कर आप यहाँ आए? साहब, आसान तो आज के टाइम में कुछ भी नहीं है, और चुनाव लड़ना तो मैं समझता हूँ सबसे ज़्यादा मुश्किल काम है। ये तो कहने में ही लगता है आसान है, आदमी सुबह घर से निकलता है, रात तक जनता के बीच में जाके पसीना बहाता है, तो आसान तो नहीं है, ये है तो मुश्किल काम। और रही बात सीट की कि सीट आसान है, ऐसा भी बिल्कुल नहीं है, ये भी आपने अभी इस लोकसभा चुनाव के अंदर ही देख लिया होगा। और मतलब हम क्या है, हम तो एक सामान्य से कार्यकर्ता है, कुएं के मेंढक हैं खाली। आप मेरे पत्रकार साथी यहाँ बैठे हो, आपके पास में तो यहाँ से लेके और आखिरी कोने तक की एक एक चीज की खबर होती है, कौन आ रहा है, क्यों आ रहा है, किस मकसद से आ रहा है, किसका क्या वजूद है। तो मैं बिल्कुल भी इस चुनावी कदम को आसान नहीं ठहराऊंगा, और ना मैं इस मकसद से यहाँ आया कि ये आसान है, चलो खाली ग्राउंड है तो मैं जा करके यहाँ लड़ लूं। मैंने आपको बताया ना जैसा कि मैं अपनी सहूलियत को देखते हुए आया हूँ, सहूलियत में आसानी नहीं हो, सहूलियत में यही है कि भाई मेरे को कोसली से मेरे नज़दीक पड़ती है और ठीक है मेरे परिचय, मेरी जान पहचान, मेरे पुराने बहुत सारे साथी यहाँ हैं, इसी मकसद से मैं आया। अच्छा, जिस प्रकार से पिछली दो योजनाओं से भारतीय जनता पार्टी के यहाँ से जो है विधायक रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कि ऐसी कौन सी कमियाँ यहाँ रही है, अगर आपको पार्टी मौका देती है तो उनके लिए आप काम करेंगे? सर, हर आदमी का अपना एक स्वभाव होता है, और जैसे जैसे हमारी उम्र बड़ी होती जाती है हम उस स्वभाव को इतना एडॉप्ट कर लेते हैं कि हम उससे ज़्यादा बाहर नहीं निकल पाते। एक तो मेरा सीधा सा स्वभाव मैं आपको बता देता हूँ कि मेरे से झूठ फरेब की राजनीति नहीं होती। एक ह्यूमन साइकोलॉजी है, जब कभी आप किसी व्यक्ति से मिलते हो तो आप ऐसा दिखाने का प्रयास करते हो जैसा कि वो देखना चाहता है, इसको बनावटीपन कहते हैं। मैं वो अडॉप्ट नहीं कर पाया अभी तक,
मैं आपसे मिलूं या किसी कार्यकर्ता साथी से मिलूं या बाहर किसी से भी मिलूं, मैं वैसा ही रहता हूं हर समय जैसा हूं। मैं चार चेहरे लेकर के नहीं चल सकता। मैं जिस किसी साथी के साथ भी जो वादा करूंगा उसको निभाऊंगा। आज सुबह भी मैं गांव में बैठा था तो उन्होंने कहा जी अटेली का ऐसा स्वभाव है कि वो एक बार जिसको चुन लेती है दोबारा नहीं चुनती। मैंने उनको जवाब दिया जी अटेली का स्वभाव नहीं है ये जिनको आप चुनते हो उनका स्वभाव है कि एक बार चुनने के बाद वो दोबारा यहाँ आते ही नहीं। तो फिर आप यूँ कहते हो भाई अभी आए ना तो फिर इसको क्यों खड़े लगाएं दोबारा से, तो आप अपना उम्मीदवार उठा करके बदल लेते हो। मेरा सिंपल सा है जी, मैं पहले के समय में क्या होता था, तीन वादे करते थे नेता किसी पार्टी का कोई भी नेता, बिजली पानी सड़क। फिर बाद में पता लगने लगा बोला जी बुढ़ापा पेंशन भी जोड़ दो इसमें, फिर बोले जी शिक्षा भी जोड़ दो इसमें, फिर बोले जी अब ठीक है युवाओं की मांग है रोजगार, इसमें रोजगार भी जोड़ दो। तो चीज़ें ऐसे जुड़ती चली गई। मेरा सिंपल सा मानना है मेरे साथ जो मेरे साथी आज इस विधानसभा में या कोसड़ी में या जहाँ भी मेरे साथ खड़े रहे हैं, खड़े हैं और आगे खड़े रहेंगे, कंधे से कंधा मिला के मैं उनके साथ खड़ा रहूँगा। और जो जिसकी ज़रूरतें होंगी और जो मुझसे बढ़ पड़ पाएगा मैं उन सब के लिए करने का प्रयास करूँगा। तो शायद ये जो बात है मैंने अभी बताई विधानसभा आगे भविष्य में बदलने की इन चीज़ों की ज़रूरत ना पड़े। ठीक, मैं अटेली विधानसभा से चुनाव लड़ने का इच्छुक हूँ, इसीलिए आज मैंने ये प्रेस वार्ता की कि आपके माध्यम से मैं अटेली की जनता को ये संदेश दे सकूँ कि मैं अटेली विधानसभा से चुनाव लड़ने का मन बना करके आपके बीच में आया हूं। और आप सबसे और जनता से और मेरे भारतीय जनता पार्टी के शीघ्र नेतृत्व से राव इंद्रजीत सिंह से सबसे मैं जो है वो चुनाव लड़ने के लिए आशीर्वाद चाहता हूं। तो कोसली छोड़ के आप अटेली में आए हैं सर, तो इसके चुनने के पीछे क्या वजह? ऐसा कोई खास वजह नहीं, जैसे मैंने आपको बताया कोसली में मैं पिछले 10 साल से काम कर रहा हूँ, अटेली में भी मैं मेरा आना जाना लगा रहा लगातार, काफ़ी साथी अटेली में भी मेरे से जुड़े हुए हैं, तो मुझे अटेली के अंदर लगा कि मैं कंफर्टेबल ज़्यादा रहूँगा इसीलिए मैं अटेली की तरफ। अटेली के अंदर कुछ जो यहाँ के स्थानीय लोग हैं वो एक स्थानीय उम्मीदवार की मांग कर रहे हैं और भारी का विरोध की, ऐसी भी कुछ चीज़ें चल रही हैं, तो उनके बीच अपने आप को कहाँ एडजस्ट कर पाएंगे? चुनाव लड़ने का अधिकार सबको है। मैंने जैसा आपको कहा कि मैं भारतीय जनता पार्टी का पदाधिकारी रहा हूँ लेकिन लंबे समय तक 10 साल तक, और मैं पार्टी भारतीय जनता पार्टी से ही संबंध रखते हैं, और जब सालावास था तब भी, जाडूसाना था तब भी, और पूरे हरियाणा प्रदेश के अंदर आप कहीं भी देख लो ये कोई मुद्दा नहीं है। मैं अहिरवाल से बिलोंग करता हूँ, मैं कोसली से, अटेली से, नारनौल से या महेंद्रगढ़ से बिलोंग नहीं करता, ये पूरा अहिरवाल ही है और अहिरवाल का एक सेक्शन मान लो। इसमें एक चीज़ मैं ऐड करना चाहूँगा कि ये हमारा जो क्षेत्र है अब परिसीमन होगा, हमारे कुछ गाँव हो सकता है कनीना हल्का बन जाए, कुछ हमारा एक नया हल्का बन जाए, तो ये पूरा एक क्षेत्र है परिसीमन में, हम इधर उधर होते रहते हैं। पिछली बार कुछ गांव सालावास में थे, फिर जो जाटूसाना में जुड़े, फिर अब वो अटेली में आ गए, तो ऐसे चलता रहेगा। भारी का तो ये तो सिर्फ एक राजनीतिक स्टंट है, वैसे कुछ नहीं है, भाई हमारे बीच का हमारा साथी है।